एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था जिसमें एक स्क्वायर गिवन है आपको शीट में, सपोज ए साइड है स्क्वायर की और आपको ये गिवन था कि इसमें इतना पोर्शन हमने निकाल दिया और कट करके फेंक दिया, याद होगा आपको ऐसा क्वेश्चन था। तो अब हमारे पास बचा हुआ पोर्शन है, हमें बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालने क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ तक। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और ये क्या है, ये ओरिजिन है, 0.0 ओरिजिन है, ठीक, लिख लें प्लीज। तो एक स्क्वायर है, ए साइड का स्क्वायर है, एक्स और वाई एक्सिस ले लें, तो ये 0.0, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0.0, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0.A और इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0.A, ये रहा, ठीक है। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का पोर्शन रेड वाला हमने काट के फेंक दिया, हमें बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये क्वेश्चन है। और जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, a/2, है ना, ठीक है ना, आधा a/2 आधा a/2, a/2, a/2। ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, इसमें देखा जाए तो ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, 1, 2, 3 और 4, चौथे ट्राइंगल को उठा के फेंक दिया, बचे हुए ट्राइंगल्स का सेंटर ऑफ मास निकालें, ऐसे बोल सकते हैं क्वेश्चन में। अब मैं टेक्निक ये यूज़ करूँगा इसमें, इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पर, इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे, और इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसके सेंटर पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालूंगा, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, ये तो है ही नहीं, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है, ये क्वेश्चन है। इसके लिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो फिर स्टार्ट हो जाओ। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 1, तो एक काम करते हैं, चलो इसका कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1, निकालेंगे साइड पे, लिखो x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट सपोज x3, y3, लिखो x1, y1, x2, y2, x3, y3, सही है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ x1 की वैल्यू, देखो मैं कैसे निकालूंगा, x1 की वैल्यू विल बी इक्वल टू, आप बस मुझे एक चीज़ बताएं, x1 किसका सेंटर ऑफ मास है, नीचे वाले ट्राइंगल का, ये वाले का, इस ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है और ये तीसरा कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। आप बस अपने मन में इमेजिन कर लें कि यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है m, कुछ भी m, यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है m, यहाँ पे मास पड़ा हुआ है m, इमेजिन कर लें। तो आप इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, आप मन में सोचेंगे m1 × x1 + m2 × x2 मीन्स m × 0 प्लस m3 × x3 अपॉन m1 + m2 + m3, तो m तो कट ही जाएगा, तो आपके पास x कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ से a/2 + 0 + a, तीनों के x कोऑर्डिनेट उठा लो, दिस दिस और दिस, डिवाइडेड बाय 3 कर ले, मन में सोच लेना, mm भी है, नीचे भी 3m था, mm आपस में क्या हो गया, कैंसल, तो क्या बचा, सिर्फ डिस्टेंस बच गया, तो ये x1 का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली y1 का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1 ये कोऑर्डिनेट क्या है, a/2
ये कोऑर्डिनेट क्या है y का 0, y का कोऑर्डिनेट क्या है 0 डिवाइडेड बाय 3। फिर हमें काम करते हैं x2 निकालते हैं, हम x2 में ये ट्राइंगल है, इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है a बाय 2, ये कोऑर्डिनेट क्या है a और वो कोऑर्डिनेट क्या है 0 बाय 3, x2 आ गया। तो x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दिया। मास को लिया ही नहीं, जस्ट वो तो वर्चुअल समझाने के लिए है कि मास तो इमेजिन कर रहे हैं और एक्चुअल में मास तो है नहीं, ताकि सेंटर ऑफ मास ढूंढ सकें। नेक्स्ट है y2 की वैल्यू में y कोऑर्डिनेट लें a प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब एक काम करें x3 में ये ट्राइंगल लें, इसका कोऑर्डिनेट क्या है a बाई 2, एक कोऑर्डिनेट क्या है 0 और एक कोऑर्डिनेट क्या है 0 बाई 3। ऐसी y3 लें, y3 में y कोऑर्डिनेट लें 0 प्लस a बाई 2 प्लस a डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास y2 में एक मिनट, y2 कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो a बाई 2 a और a ओ अच्छा हाँ 3 आएगा, राइट, ठीक है डिवाइड बाई 3 आएगा, राइट। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ये इमेजिन कर लें इस ट्राइंगल का जो मास है, ये जो ट्राइंगल है इसका मास m है और वो यहाँ पे पड़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास पे, इस ट्राइंगल का मास भी m है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास पे, इस ट्राइंगल का मास भी m है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब मुझे फाइनल सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो m इंटू x1 m इंटू x2 m इंटू x3 डिवाइडेड बाई m प्लस m, और उसी तरीके से y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m इंटू y1 m इंटू y2 एंड m इंटू y3 डिवाइडेड बाय m प्लस m। x1 x2 x3 y1 y2 y3 आपके पास है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें जो आंसर सब्जेक्टिव शीट में गए मैंने, वही आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका?